मुझे इस बात की बहुत ही प्रसन्नता है कि आज कलकत्ता की वंदे भारत जो पटना से जाती है कलकत्ता, उसका स्टॉपेज बख्तियारपुर हो गया है। इसके लिए हम लोग लगे हुए थे। मैं रेलवे प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब बख्तियारपुर के लोगों को बहुत सुविधा हो गई है कलकत्ता जाने के लिए। 2:15 बजे कलकत्ता ही पहुँच जाती है। पहले आपको याद होगा यहाँ से कुंभ एक्सप्रेस भी अब रुकने लगी है। पूरे बख्तियारपुर और फतुहा दोनों का अमृत स्टेशन के रूप में विकास भी होगा, तो काम भी अगले साल तक काफ़ी पूरा हो जाएगा। और इस बार के बजट में बिहार के लिए लगभग 8,000 करोड़ की व्यवस्था है, तो पैसे की कमी नहीं होगी। हम हैं, कौशलेंद्र बाबू हैं, बाकी सांसद हैं, हम लोग सब लोग मिलकर बिहार के विकास के लिए चिंता करेंगे, बख्तियारपुर की भी चिंता करेंगे, अपना साहिब की भी चिंता करेंगे। करौता स्टेशन है सर, जो कि कोरोना काल में कुछ ट्रेनों को वहाँ रद्द कर दी गई, इतना शुरू हो गया है, स्थायी भी होगा, चिंता मत। बख्तियारपुर की अभी आपने बात करी, तो सर अभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हुआ, दियारा के लोग को आज तक बाढ़ की राहत मुहैया नहीं कराया गया, उसकी राशि नहीं दी गई, बगल के नालंदा में दिए गए, कोसी में दिए गए, उत्तरी बिहार में, आपके संसदीय क्षेत्र में नहीं दिया गया, इसको लिए क्या कर रहे हैं? मैंने कलेक्टर से बात किया है, SDO से बात किया है, वो प्रक्रिया चल रही है, चिंता मत करिए, बाढ़ में राहत तो पूरा हुआ ना। बख्तियारपुर के लोगों को, अब बख्तियारपुर के लोगों को नहीं, पूरे बख्तियारपुर से जो क्षेत्र में बख्तियारपुर और नालंदा जिला भी जुड़ता है, बहुत सारे लोगों को हावड़ा कलकत्ता जाने का रास्ता यही है। और वंदे भारत मिलने से माननीय रविशंकर प्रसाद जी को और माननीय हमारे कौशलेंद्र जो नालंदा के सांसद हैं, उनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने वंदे भारत को रखवाया बख्तियारपुर के लिए, नालंदा के लिए आपने बड़ा तोहफा देने का। और इतने नहीं, माननीय सांसद महोदय ने आगे भी कई ट्रेनों का स्टॉपेज इन्होंने करवाने का काम करते हैं, लेकिन जब स्टॉपेज होती है तो वो सब ट्रेन में अपनी व्यस्तता कारण आ नहीं पाते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहते हैं कि कुछ दिन पहले सालिमपुर में ट्रेन रुकवाया गया, नरौली में ट्रेन रुकवाया गया, सब माननीय सांसद महोदय के अनुशंसा से कराया जाता है। और आपको वंदे भारत बड़ी ट्रेन थी, उसे माननीय सांसद महोदय ने हरी झंडी दिखाया, ये बहुत बड़ा चीज़ है। माननीय सांसद महोदय को फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं, और बख्तियारपुर की जनता जो है इस बार जो है फिर से कमल खिलाएगा। सर आपने बोला कि माननीय सांसद महोदय ने इस तरह का रुकवाने का काम एन प्रकार जितने भी ट्रेन है रुकवा रहे हैं, लेकिन एक आप ही के BJP के नेता है, वो सब छोड़िए, वो सब देखिए बताते हैं, आप लोग होशियार लोग हैं, हम आपके बिना ये मंत्रालय से ये ट्रेन के सुविधा होती है, एक आम लोगों के ये आम लोगों से नहीं हो सकता। लेकिन अगर किसी को करना रहता, आप अगर बता दो, एक बात बताते हैं आपको, आवास योजना है तो आवास योजना की स्वीकृति तो इस सूची बन जाता है। लेकिन कुछ लोग जो है आवास को लाते हैं और कहते हैं मैंने ही कराया, लेकिन आवास को सूची स्वीकृत हो जाता है। उसी तरह से ट्रेन की स्वीकृति हो जाता है, कुछ लोग बीच में पता लगा लेते हैं कि स्टॉपेज होने वाला है, फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से झूठ मूठ बहाना बनाते हैं, झूठ मूठ बकवास करते हैं। ये माननीय सांसद महोदय के अनुशंसा के बिना धरती पर कुछ हो नहीं सकता है रेलवे में, इसलिए माननीय सांसद महोदय के अनुशंसा से ही होता है। बाकी लोग अगर मैं ही कहूँ कि मैं ही कराया तो ये गलत बात है, एक आम पब्लिक क्या कहता है, आम पब्लिक कैसे करा सकता है, इसलिए वो आम पब्लिक है, झूठ मूठ के लंद फंद वारा सत्र करते रहता है, प्रिंट मीडिया में आने का एक चेहरा चमकाने का, झूठो मूठो कुछ बात नहीं। हम तो समझते हैं कि अगर वैसे लोग हैं तो हम तो समझते हैं दिमागी हालत बढ़िया नहीं। इस ट्रेन के लिए तो कुछ अभी नहीं हुआ है, लेकिन इस ट्रेन को वंदे भारत के यहाँ पर रुकने का एक ही मकसद है कि जो राजगीर के लोग हैं, बिहार शरीफ के लोग हैं, हरनौत के लोग हैं, नालंदा के लोगों के लिए काफ़ी इसका राहत मिलेगा। यहाँ नहीं रुकने से लोग को मुकामा जाना पड़ता था, और मैं रेल मंत्री जी को बधाई और धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने हम लोग जो प्रयास किए उसका उन्होंने रिजल्ट बहुत जल्दी में दिया है। कल फिर हम श्रमजीवी का भी झंडा दिखाएंगे बाबापुर, जो पर्यटक स्थल के रूप में पहले से वहाँ सुनते होंगे, जैनों का बहुत बड़ा वहाँ भी कल उठवाया है, और एक यामा में
कल शाम में 7:50 में जामा में भी कोई भी ट्रेन लोकल सिर्फ रुकती थी, अब वहाँ पर एक ट्रेन का रुकवाए हैं, उसका नाम है इस्लामपुर हटिया। तो इस तरीके से जनता के सुविधा के लिए ही ट्रेन बनी है, और ट्रेन जो लंबी जिससे लंबी दूरी का ट्रेन है तो उसको रुकवाने में थोड़ा हम लोग भी ये करते हैं, लेकिन जनता को जहाँ सुविधा मिलना चाहिए जो ज़रूरी है उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हम जनप्रतिनिधियों का दायित्व तो बनता है कि जनता की सेवा करना, खिदमत करना, ये हमारा दायित्व तो बनता है।